हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब रन टाइम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। रन टाइम एनवायरनमेंट का बेसिकली मतलब है कि हमने जब हाई लेवल लैंग्वेज का एक कोड लिखा है और उस हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को जब हमने कंपाइल कराया, तो कंपाइलेशन के बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये मेमोरी में लोड होगा। तो मेमोरी में जब ये लोड होगा तो कौन कौन सा सपोर्ट रिक्वायर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट एक्चुअली इज़ द रन टाइम एनवायरनमेंट। नाउ जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो मशीन लैंग्वेज को मशीन जब प्रोग्राम हम कंपाइल करा रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मशीन लैंग्वेज कोड जनरेट होगा, और जो मशीन लैंग्वेज कोड है वो मेन मेमोरी में लोड होगा। मेन मेमोरी में जब लोड होगा तो उस समय जो हमने प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस लिखे हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी का एलोकेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे, कुछ स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा, उनके लिए स्पेस एलोकेट होगा। सिमिलरली, हमने कुछ फंक्शन कॉल्स किए होंगे तो उन फंक्शन कॉल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बनेंगे। इसी तरह से रन टाइम पे हम कुछ मेमोरी एलोकेट करा सकते हैं। आप लोगों ने मेलॉक, सी एलॉक फंक्शन, री एलॉक फंक्शन पढ़ा होगा। तो सी में ये फंक्शंस डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए होता है, तो इनके लिए भी अलग से मेमोरी एलोकेट होगी। तो वी विल स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन दिस लेक्चर। सो आप ये देख सकते हैं एक डायग्राम जो ये बता रहा है कि जब सबसे लास्ट में हमारा जो प्रोग्राम है उसके इंस्ट्रक्शंस मशीन लैंग्वेज कोड के फॉर्म में है, इसको हम exe फाइल भी कह रहे हैं, और प्रोग्राम में जितने भी स्टैटिक या ग्लोबल वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया है या स्टैटिक फंक्शंस हमने डिक्लेयर किया है, उन सब के लिए जो एलोकेशन होगा वो स्टैटिक और ग्लोबल पोर्शन में एलोकेशन होगा। जितने भी डायनेमिक हमने डाटा क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल हमने मेलॉक फंक्शन का यूज़ किया या सी एलॉक फंक्शन का यूज़ किया या री एलॉक फंक्शन का यूज़ किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेमोरी रिजर्व होगी वो हीप रीजन में होगी। जितने भी फंक्शन कॉल्स हम करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बनेंगे और वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक रीजन में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें एक डायरेक्शन दिखाया गया है कि जो हीप का रीजन है वो अपवर्ड्स बढ़ रहा है और जो स्टैक का रीजन है वो डाउनवर्ड्स बढ़ रहा है। तो हीप और स्टैक का जो रीजन है वो एक्चुअली शेयर्ड रीजन होता है, और हम ऐसा मान सकते हैं, इसको समझने के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक मोटी सी कॉपी है और उसमें आप दो सब्जेक्ट्स के नोट्स लिखना चाहते हैं। तो आपने क्या किया कि फर्स्ट पेज से कंपाइलर डिज़ाइन के नोट्स स्टार्ट कर दिया लिखना और लास्ट पेज से स्टार्ट किया कंप्यूटर नेटवर्क का नोट्स स्टार्ट कर दिया। तो आपको ये नहीं पता कि रन टाइम पे आपका कंपाइलर डिज़ाइन में कंटेंट ज़्यादा होगा या नेटवर्क में ज़्यादा होगा। अगर नेटवर्क का कंटेंट ज़्यादा हुआ तो वो दूसरे बैकवर्ड डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं कॉपी में, और अगर कंपाइलर का ज़्यादा हुआ तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी हमारा स्पेस है वो शेयर हो जा रहा है। तो यू नेवर नो कि जो डायनेमिक डेटा है वो ज़्यादा लिया जाएगा या स्टैक का रीजन हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन कि रन टाइम पे यूज़र की रिक्वायरमेंट कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग द रिकर्शन, एंड इफ द यूजर वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ नंबर 5, देन द नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स विल बी 6। बट इफ द यूजर वॉन्ट्स द फैक्टोरियल ऑफ सम नंबर से 100, सो द नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स विल बी 101। इन दैट केस द साइज ऑफ द स्टैक विल बी वेरी बिग। ओके, सो द रीजन ऑफ द स्टैक एंड द हीप इज शेयर्ड अमंग ईच अदर। नो, सबसे पहले स्टैटिक रीजन के बारे में पढ़ते हैं, या जो स्टैटिक डाटा आइटम्स हैं हमारे उनके लिए जो मेमोरी का एलोकेशन होगा। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जिसको हमने फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल, हमने अगर कोई एरे डिक्लेयर किया तो एरे की साइज़ हमने फिक्स कर दी कंपाइल टाइम पर ही, हमने उसका जो साइज़ है वो फिक्स कर दिया। तो अगर हमने उसका कंपाइल टाइम पर साइज़ फिक्स कर दिया तो ऑब्वियस बात है कि हमने उसका एड्रेस भी फिक्स कर दिया। एड्रेस जो हमारा हो गया वो फिक्स हो गया। अब उस एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते बाद में, रन टाइम पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टैटिक इज ऑल अबाउट एलोकेशन एट कंपाइल टाइम। बाइंडिंग डू नॉट चेंज एट द रन टाइम। बाइंडिंग का मतलब यही है जो अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमने एड्रेस एक बार एलोकेट कर दिया तो वो फिक्स हो गया और अब वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एरे के बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया। और अगर हम स्टैटिक फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो हर एक फंक्शन के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया कि अगर हमारे पास चार फंक्शंस हैं तो
F1 का एक रिकॉर्ड बन गया, F2 का एक रिकॉर्ड बन गया, F3 का एक रिकॉर्ड बन गया और F4 का एक रिकॉर्ड बन गया। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्टैटिक एलोकेशन के, कि रिकर्शन को ये सपोर्ट नहीं करेगा और साइज ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट मस्ट बी नोन एट द कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे ही जो भी डाटा आइटम हमें यूज़ करना है उसका साइज़, कितने बाइट्स का एलोकेशन उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो फिक्स हो जाना चाहिए। डायनामिकली हम डाटा क्रिएट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है कि कंपाइल टाइम पे फिक्स हो जा रहा है तो जो प्रोग्रामर ने फिक्स कर दिया होगा एक बार साइज़, उसी साइज़ के हिसाब से मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, रन टाइम पे हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि हमने 100 साइज का एरे बनाया और उसके बियॉन्ड हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक फॉल्ट होगी, एक एरर मैसेज आएगा जिसको हम सेगमेंटेशन फॉल्ट कह सकते हैं। दूसरा एलोकेशन स्कीम स्टैक है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्कीम यह है, जब भी हमारा कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है और वो जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो स्टैक पर जाके पुश हो जाएगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में बहुत सारे कंटेंट होते हैं जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। रिटर्न एड्रेस है इसमें, एक्चुअल आर्गुमेंट्स है, रिटर्न वैल्यू है, लोकल वेरिएबल्स है। सो जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस से उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो वो रिटर्न एड्रेस हो गया। जब भी फंक्शन रिटर्न करेगा, जब फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो पर्टिकुलर एड्रेस पर रिटर्न करेगा। किन पैरामीटर्स के, किन एक्चुअल पैरामीटर्स के हिसाब से ये फंक्शन कॉल हुआ उसको हम एक्चुअल आर्गुमेंट्स कह रहे हैं, उसकी वैल्यू भी हम स्टोर करना चाहेंगे एक्टिवेशन रिकॉर्ड में। जब फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू तो कौन सी वैल्यूज रिटर्न करेगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। लोकल वेरिएबल्स मतलब कि हमने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने फैक्टोरियल का ही फंक्शन बनाया है और वो रिकर्शन से नहीं है, एक नॉर्मल फंक्शन है, तो हमें एक लूप काउंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो लूप काउंटर है वो हमारे लिए लोकल वेरिएबल हो गया। तो ये सभी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें जो कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में स्टोर होगी। हर एक फंक्शन कॉल के लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, तो जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में पुश हो जाएगा और जब भी हम किसी फंक्शन को में रिटर्न करेंगे तो वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। तो हर एक फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक बार एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में पुश हो रहा है और एक बार वो पॉप होगा जबकि रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर हो जाएगा, या फिर जो फंक्शन का फंक्शन में हम लास्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो रिटर्न एनकाउंटर करता है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। यस, स्टैक तो रिकर्शन को सपोर्ट करता ही है। इनफैक्ट हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा भी होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टैक का एक एप्लीकेशन है, एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है रिकर्शन। इसका एक डिसएडवांटेज है कि लोकल वेरिएबल्स कैन नॉट बी रिटेन्ड वंस एक्टिवेशन एंड्स। मान लीजिए कि इसको हम लोग एक रिकर्शन वाले दृष्टिकोण से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया, उस रिकर्सिव फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल है। हमने उस रिकर्स उस पर्टिकुलर लोकल वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया जब भी पहली बार कॉल हुआ वो रिकर्सिव फंक्शन। उसी रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हम दोबारा से फंक्शन को कॉल करेंगे, जब दोबारा से फंक्शन कॉल करेंगे तो उसका अलग से एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। अगर उसमें अलग से एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा तो देन एक बार फिर से वही सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे जो उस फंक्शन में थे। तो अगर हमने डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिया है तो उस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट के लिए अगेन एक डाट जो डाटा वैल्यू है उसके लिए मेमोरी का एलोकेशन होगा। अगर आपने एक बार फंक्शन को रिटर्न करा दिया, फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न कर दिया, तो देन उसके बाद क्या होगा कि जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है पॉप हो जाएगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो गया इसका मतलब जो भी आपने डाटा आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग मेमोरी एलोकेट किया था वो आपकी लॉस हो गया या फिर अब वो आपका डी एलोकेट हो गया, तो आप उसको दोबारा से रेफर नहीं कर सकते। ये एक एग्जाम्पल है जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स है उसका, स्टैक स्कीम या जो स्टैक रीजन हम यूज़ कर रहे हैं मेमोरी में। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर एक ए फंक्शन कॉल होता है। जैसे ही मेन फंक्शन हमने बनाया, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना, मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनने के बाद ए फंक्शन हमने कॉल किया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। ए फंक्शन के अंदर हमने बी फंक्शन को कॉल किया है तो बी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। बी के अंदर हमने सी फंक्शन को कॉल किया है तो सी का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। सी के अंदर हमने कोई फंक्शन को कॉल नहीं किया है, जब भी सी फंक्शन फिनिश होगा तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा, बी को रिटर्न करेगा और सी का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना है वो पॉप हो जाएगा। देन फाइनली जब बी फंक्शन कंप्लीट होगा तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा और जब बी फंक्शन फिनिश होगा सॉरी ए फंक्शन जब फिनिश होगा तो उसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा और ये मेन को वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि डायग्राम में टाइम के हिसाब से स्टैक का ग्रोथ दिखाया है
और एक जो स्टैक ग्रो कर रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम स्टैक का ग्रोथ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। सेम चीज़ रिकर्सिव फंक्शंस के लिए है। अगर हमने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया है, आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन है इंटीजर फैक्ट इंटीजर एन, इफ एन इज़ ग्रेटर देन 0 रिटर्न एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, अदरवाइज रिटर्न 1। तो जो अदरवाइज वाला या एल्स वाला जो पार्ट है वो हमारा बेस कंडीशन है, और उस बेस कंडीशन वाली जो कॉल होगी वो सबसे लास्ट कॉल होगी फंक्शन में। तो अगर एन की वैल्यू 3 के लिए हमने कॉल किया है सबसे पहला फंक्शन कॉल, तो उसके लिए एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा फैक्ट 3 का। फैक्ट 3 में 3 इज ग्रेटर देन 0 तो फैक्ट 2 कॉल होगा, और फैक्ट 2 अगर कॉल होगा तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। फिर फैक्ट 2 के लिए इंटीजर सॉरी एन की वैल्यू 2 के लिए फंक्शन कॉल हुआ, इसमें एन ग्रेटर देन 0 है ऑब्वियसली, तो अगेन एक बार फैक्टोरियल 1 के लिए कॉल हो जाएगा फंक्शन, इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा। देन एन की वैल्यू 1 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, अगेन एक बार कॉल होगा फैक्टोरियल 0 के लिए कॉल हो जाएगा, उसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा। जब 0 के लिए हमने कॉल किया तो 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे बेस वैल्यू कॉल होगी रिटर्न 1 होगा, इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 0 के लिए जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना था वो पॉप हो जाएगा। और फाइनली फर्दर माने कि उसी बैकवर्ड डायरेक्शन में हम चल रहे हैं कि फैक्टोरियल 0 वाला रिटर्न किया, तो जब 0 वाली वैल्यू 1 को मिली फैक्टोरियल 1 वाले कॉल को मिला तो उसका वो भी फिनिश कर गया, तो इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। ये वैल्यू जब मिल जाएगी फैक्टोरियल 2 वाले कॉल को तो ये भी इसको भी वो वैल्यू मिल गई, ये भी रिटर्न करेगा वैल्यू, ये जब रिटर्न करेगा वैल्यू तो इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। एंड फाइनली जो है फैक्टोरियल 3 वाली वैल्यू मिल जाएगी तो फैक्टोरियल 3 का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का पॉप होने के बाद इसमें केवल मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा जो हमने यहाँ पे शो नहीं किया है। नाउ स्टोरेज एलोकेशन स्कीम में जो तीसरी एलोकेशन स्कीम है वो हीप एलोकेशन स्कीम है। जब भी कोई हम डायनेमिक डाटा आइटम एलोकेट करेंगे या डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो हीप रीजन में जाएगा, और हीप रीजन में आर्बिट्रेरली हम कहीं पे भी डाटा आइटम स्टोर कर सकते हैं। बट जो स्कीम यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो फर्स्ट फिट स्कीम को यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट फिट स्कीम को समझने से पहले आप मान लीजिए कि आपके पास 4 डाटा आइटम हैं, डाटा स्ट्रक्चर 1 है, डेटा स्ट्रक्चर 2 है, डेटा स्ट्रक्चर 3 है, और डेटा स्ट्रक्चर 4, DS1, DS2, DS3 और DS4 से इसको हमने यहाँ पे डिनोट किया है। तो इसके लिए हमने मेमोरी एलोकेट कर दिया, तो जहाँ पे भी हमें फ्री स्पेस मिला वहाँ पे हमने इन डेटा स्ट्रक्चर के लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया। इस डेटा स्ट्रक्चर को आप ऐसे समझिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर इंटीजर आइटम के लिए भी अगर एलोकेट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का मतलब इस तरह से मत सोचेगा कि स्टैक है, क्यू है, लिंक्ड लिस्ट है, नथिंग लाइक दैट। अगर आपने सिंपली एक एरे भी एलोकेट एरे के लिए मेमोरी एलोकेट किया है तो भी आप उसको डेटा स्ट्रक्चर मानेंगे। सिंपल अगर आपने किसी इंटीजर डाटा आइटम के लिए स्टोर किया है तो भी आप उसको डेटा स्ट्रक्चर ही मानेंगे। तो 4 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और उनके लिए हमने मेमोरी 1 बाय 1 एलोकेट कर दिया। एंड देन उसके बाद मान लीजिए कि डी एलोकेशन हो रहा है डाटा स्ट्रक्चर 1 और डाटा स्ट्रक्चर 3 के लिए 1 बाय 1। तो जब डेटा स्ट्रक्चर 1 ने मेमोरी डी एलोकेट करा डेटा स्ट्रक्चर 1 के लिए मेमोरी डी एलोकेट हुई तो जिस स्पेस में ये था हीप रीजन में वो स्पेस फ्री हो गया। इसी तरह से DS3 वाला जो रीजन था वो फ्री हो गया जब ये डी एलोकेशन इसका हो गया, तो अब हमारे पास ये फ्री स्पेस हो गया। तो इस तरह से अगर हमारे पास हीप रीजन है और हम बार बार इसमें मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और मेमोरी डी एलोकेट कर रहे हैं तो कई सारे छोटे छोटे स्लॉट्स बन जाएंगे जो कि फ्री स्पेसेस के स्लॉट होंगे, जिनको हम कहेंगे होल्स। और होल्स का जो मैनेजमेंट है वो एक्चुअली हमारे लिए डिसएडवांटेज है हीप के लिए या ओवरहेड है हीप के लिए। तो यहाँ पे जब हम नेक्स्ट टाइम मेमोरी एलोकेट करेंगे तो फर्स्ट फिट स्कीम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये डाटा आइटम्स हैं और उसमें DS1 वाला फ्री हुआ, देन DS3 वाला फ्री हुआ, नेक्स्ट टाइम अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर आएगा और उस मेमोरी एलोकेशन की जरूरत पड़ेगी तो DS1 के द्वारा फ्री हुआ जो स्पेस होगा वो उसको पहले ट्राई करेगा कि क्या वो सफिशियंट है कि नहीं मेमोरी के लिए, वहाँ पे वो मेमोरी को एलोकेट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट फिट स्कीम, वही फर्स्ट फिट स्कीम है जो कि यहाँ पे अप्लाई की जाएगी। नाउ जितनी भी स्कीम्स हम लोगों ने पढ़ी अगर उसकी उसका हम समराइजेशन करें तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जो हमने किया है वो लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम के लिए है। प्रोग्राम की लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि प्रोग्राम में अगर आपने स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कर दिया है या स्टैटिक फंक्शंस के लिए आपने मेमोरी एलोकेट कर दिया है, चाहे आपने स्टैटिक डेटा मेम्बर के लिए मेमोरी एलोकेट कर दिया है, तो जब तक प्रोग्राम की लाइफ टाइम है तब तक उसकी भी लाइफ टाइम होगी, ठीक है।
इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आपने फर्स्ट ईयर में ज़रूर किया होगा कि एक फंक्शन के अंदर आपने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो अगर फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उस फंक्शन को आप बार बार कॉल कर रहे हैं, तो प्रीवियस वाली जो वैल्यू है वो रिटेन रहती है, जबकि नॉर्मल फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। नॉर्मल फंक्शन में नॉर्मल वेरिएबल के साथ में एक बार आपने मेमोरी एलोकेट कर दिया, दोबारा से आप दूसरा फंक्शन कॉल करेंगे तो दोबारा से मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। जबकि स्टैटिक मेमोरी के लिए क्या होगा कि एक बार आपने एलोकेट कर दिया तो वो परमानेंट हो गया, वो बार बार चेंज नहीं होगी। स्टैक एलोकेशन में नेस्टेड लाइफ टाइम होगी। नेस्टेड लाइफ टाइम जैसे हमने अभी प्रीवियस वाला जो एग्जाम्पल हमने देखा था कि एक मेन के अंदर हमने ए को कॉल किया, ए के अंदर हमने बी को कॉल किया, बी के अंदर हमने सी को कॉल किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब हमने सी वाला रिटर्न करेगा तो सी वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप होगा, देन जब बी वाला रिटर्न करेगा तो बी वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप होगा, देन जब ए वाला रिटर्न करेगा तो ए का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा। तो इसमें नेस्टेड लाइफ टाइम दिखा रहा है कि जो सबसे लास्ट में फंक्शन कॉल हुआ उसकी लाइफ टाइम सबसे छोटी है, उससे पहले जो कॉल हुआ था उसकी लाइफ टाइम थोड़ा उससे ज़्यादा है, और सबसे पहले जो फंक्शन कॉल हुआ था उसका लाइफ टाइम सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे नेस्टेड लाइफ टाइम है एलोकेशन स्टैक एलोकेशन स्कीम के साथ। और हीप एलोकेशन में क्या होगा, आर्बिट्ररी लाइफ टाइम होगा। आर्बिट्ररी मतलब कि कभी भी आप इसको एलोकेट कीजिए और कभी भी इसको डीएलोकेट कर दीजिए, कोई भी ऑर्डर यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, और आर्बिट्ररी लाइफ टाइम होगा जब भी आप हीप के लिए मेमोरी एलोकेट करेंगे। थैंक यू।